Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haan janab, aap kaun? Maine aapko pehchana nahi. Janab, main Muhammad Shahnawaz Salfi Banarsi hoon. Aap bataein aapka naam kya hai? Mujhe Nachiz ko Shamsuz Zama kehte hain. Main Bihar Muzaffarpur ka rehne wala. Par Shahnawaz sahab, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा. पूछो मियां पूछो, कुछ भी मुझसे पूछ लो, सब कुछ जानता हूं, कुछ भी बता सकता हूं जनाब. शाहनवाज साहब, आपने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज सल्फी बनारसी है. बनारसी तो मैं समझ गया कि आप बनारस के रहने वाले हैं, मगर सल्फी मेरी समझ में नहीं आया. ताज्जुब है, आप सल्फी को नहीं जानते हैं? अरे सल्फी तो आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं. मक्का जाइए, मदीना जाइए, मिस्र, शाम, इराक, जहां भी जाइए वहां आपको सल्फी मिलेंगे. नेट पर देखिए तो सल्फी, अखबारों में देखिए तो सल्फी, किताबों की दुनिया में जाइए तो सल्फी, हर जगह तो सल्फी ही सल्फी है और आप सल्फी को नहीं जानते. अरे भाई, सल्फी यानी अहले हदीस गैर मुकल्लिद. हम लोग किसी खास इमाम की तकलीद नहीं करते, ना अबू हनीफा की, ना शाफई की, ना मालिक और ना अहमद बिन हम्बल की. और आखिर तकलीद करें भी क्यों, जब हमारे पास खुद ही इतना दिमाग है कि हम कुरान को समझ सकते हैं, हदीस को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम किसी अबू हनीफा को क्यों माने या किसी मालिक की तकलीद क्यों करें? शाहनवाज साहब, आप तो बड़े गजब की बात कर रहे हैं. आपका कुरान और हदीस को खुद से समझने का दावा इंतहाई अजीबो गरीब है. यानी आपका मतलब ये है कि हमको मुकल्लिद होना चाहिए? हम कुरान और हदीस को छोड़कर अबू हनीफा और शाफई के पीछे भागे? शम्सुज़्ज़मा साहब, शायद आप जानते नहीं, तकलीद को कुरान ने हराम कहा है और उसे शिर्क करार दिया है. क्या कुरान ने तकलीद को हराम कहा है और उसे शिर्क करार दिया है? जी जनाब शम्सुज़्ज़मा साहब, कहां हैं आप? कभी तो कुरान उठाने की तौफीक होती नहीं है. सुनिए जनाब शम्सुज़्ज़मा साहब, सुनिए, सूरह बकरा पारा नंबर 2 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. जब उनसे कहा जाता है कि कुरान की पैरवी करो तो वो कहते हैं, नहीं, हम तो अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे. और सुनिए शम्सुज़्ज़मा साहब, सूरह मायदा पारा नंबर 7 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. जब उनसे कहा जाता है कि कुरान की पैरवी करो और रसूल की पैरवी करो तो वो कहते हैं, हमारे लिए हमारे बाप दादा काफी हैं. और सुनिए शम्सुज़्ज़मा साहब, कुरान के पारा नंबर 10 सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह. उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और अपने पीरों को अपना रब बना लिया. और जनाब शम्सुज़्ज़मा साहब, ये भी आयत सुन लीजिए जो सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 में है. अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यकूलूना या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला. जिस दिन वो जहन्नम में डाले जाएंगे, आवाज लगाएंगे, हाय काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की होती. और शम्सुज़्ज़मा साहब, उसी पारा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا. कल मुकल्लिदीन अपने रब से कहेंगे, हमने अपने बड़ों की तकलीद की, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया. शम्सुज़्ज़मा साहब, कुरान की इन तमाम आयतों से मालूम होता है कि तकलीद हराम है, हराम है, हराम है. और कल कयामत के दिन सारे तकलीद करने वाले जहन्नम में जाएंगे, हनफी जहन्नम में जाएंगे, शाफी जहन्नम में जाएंगे, मालिकी और हम्बली सब जहन्नम में जाएंगे. बस जनाब बस, शाहनवाज साहब,
ये बताइए कि आपने कुरान पाक की जितनी आयतें पेश की हैं उनमें कहीं तकलीद का लफ्ज आया है? नहीं। कहीं अइम्मा मोमिनीन का लफ्ज आया है? नहीं जनाब। कहीं हराम का जिक्र आया है? नहीं साहब। कहीं इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल का जिक्र आया है? नहीं भाई, नहीं। तो शाहनवाज साहब, फिर आपने कैसे कह दिया कि नायतों का मतलब यह है कि तकलीद हराम है? अरे जनाब शमसुज़्ज़मा साहब, मुफस्सिरीन किराम ने इन आयतों का यही मतलब बयान फरमाया है कि तकलीद हराम है, हराम है, हराम है। किन मुफस्सिरीन ने इन आयत का यह मतलब बयान किया है कि तकलीद हराम है? क्या कुरान पाक के सबसे बड़े मुफस्सिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन आयतों का यही मतलब बयान फरमाया कि तकलीद हराम है? नहीं। क्या पहली सदी हिजरी के अजीम मुफस्सिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, क्या दूसरी सदी हिजरी के मशहूर मुफस्सिर मुजाहिद बिन जबर, मुकातिल बिन सुलेमान और सुफियान सौरी ने, क्या तीसरी सदी हिजरी के मुफस्सिर अब्दुल रजाक सनानी और इमाम शाफई ने, क्या चौथी सदी हिजरी के मुफस्सिर इब्ने अबी हातिम, इब्ने मुर्जी और इब्ने जरीर तबरी ने, क्या पांचवी सदी हिजरी के मुफस्सिर इमाम बाहिदी निशापुरी ने, क्या छठी सदी हिजरी के मुफस्सिर इब्ने जौजी ने, क्या सातवीं सदी हिजरी के मुफस्सिर अली बिन हमद तुजीबी ने, क्या आठवीं सदी हिजरी के मुफस्सिर इब्ने रजब हम्बली और इब्ने कसीर दमश्की ने, और क्या नौवीं सदी हिजरी के मुफस्सिर अहमद बिन इस्माइल शाफई ने, और क्या दसवीं सदी हिजरी के मुफस्सिर अल्लामा जलालुद्दीन सियुती ने, क्या इन तमाम मुफस्सिरीन ने इन आयतों का यही मतलब बयान फरमाया कि तकलीद हराम है? नहीं नहीं नहीं, इनमें से किसी ने भी इन आयतों का यह मतलब बयान नहीं फरमाया कि तकलीद हराम है। तो फिर शाहनवाज साहब, आपने कैसे कह दिया कि इन आयतों का मतलब यह है कि तकलीद हराम है? शमसुज़्ज़मा साहब सुनिए, मशहूर मुफस्सिर कुरान इमाम कुर्तुबी ने इन आयतों का यही मतलब बयान किया है कि तकलीद हराम है। जनाब, इमाम कुर्तुबी खुद इमाम मालिक के मुकल्लिद थे। अल्लामा सुमानी ने भी इन आयतों का यही मतलब बयान किया है। अरे भाई, वो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद थे। अल्लामा सिराजुद्दीन ने भी इन आयतों का मतलब यही बयान किया है। जनाब, वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद थे। सुनिए जनाब, सुनिए, और कुछ फरमाइए। सुनिए जनाब, सुनिए, शमसुज़्ज़मा साहब सुनिए, काजी शौकानी और इमाम इब्ने कय्यिम ने भी तो इन आयतों का यही मतलब बयान किया है कि तकलीद हराम है। अच्छा शाहनवाज साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इम्मा मोमिनीन की तकलीद हराम है या इम्मा मुशरिकीन की तकलीद हराम है? जी। अरे भाई, ये बताइए कि इम्मा मोमिनीन की तकलीद हराम है या इम्मा मुशरिकीन की तकलीद हराम है? तो दोनों की तकलीद हराम है। अइम्मा मोमिनीन की भी तकलीद हराम है और अइम्मा मुशरिकीन की भी तकलीद हराम है। लेकिन जनाब शाहनवाज साहब, कुरान पाक में तो हुक्म है कि अइम्मा मोमिनीन की तकलीद करो और नेक लोगों की राह पर चलो। चुनांचे सूरह फातिहा ही में है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम, ऐ रब हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, यानी अंबिया के रास्ते पर, शुहदा के रास्ते पर, सिद्दीकीन के रास्ते पर और सालेहीन के रास्ते पर चला। सूरह निसा पारा नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अइम्मा मोमिनीन की इताअत करो। जनाब शाहनवाज साहब, उलुल अम्र से मुराद आप जानते हैं कौन लोग हैं? मुस्तदरक हाकिम वगैरह में है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत मुजाहिद बिन जबर ने फरमाया कि उलुल अम्र से मुराद फुकहा हैं। सुभान अल्लाह। और सुनिए जनाब शाहनवाज साहब, सुनिए, सूरह लुकमान पारा नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वत्तबि सबीला मन अनाब इलैय,
उन लोगों के रास्ते की पैरवी करो जिन्होंने मेरी तरफ रुजू किया। और सुनिए जनाब शाहनवाज साहब, सुनिए सूरह निसा 12 नंबर 5 ही में है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। जो मुमिनीन के रास्ते को छोड़ दे हम उन्हें जहन्नम में डाल देंगे। लिहाजा जनाब शाहनवाज साहब, कुरान पाक की सारी आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अइम्मा मोमिनीन की तबा, उनकी इताअत, उनकी पैरवी और तकलीफ जरूरी है। लिहाजा कुरान तो ये कह रहा है कि अइम्मा मोमिनीन की पैरवी और तकलीफ करो, और आप कह रहे हैं अइम्मा मोमिनीन की तकलीफ नाम है। शाहनवाज साहब, अब आप ही बताएं हम किसकी बात माने, आपकी या कुरान करीम की? शम्सुज़्ज़मान साहब, एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, हम आपके किसी धोखे ओके में आने वाले नहीं हैं, और ना ही आपकी किसी दलील से मरूब होने वाले हैं। इसलिए कि जब हमारे शेख इब्ने कय्यिम ने कह दिया कि तकलीद हराम है तो तकलीद हराम है, जब हमारे अजीम इमाम मुज्तहिद काजी शौकानी ने फरमा दिया कि तकलीद हराम है तो हम तकलीद को हराम ही कहेंगे। वाह भाई वाह, बहुत खूब फरमाया आपने। आप कहते हैं कि तकलीद हराम है, और आप तो हमसे बड़े मुकल्लिद मालूम हो रहे हैं। फर्क यह है कि हम ऐसे इमामों की तकलीद करते हैं जिनकी तकलीद दूसरी सदी हिजरी से लेकर आज तक के बेशुमार उलमा फुकहा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने की है, और आप इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं। इब्ने कय्यिम, काजी शौकानी, सिद्दीक हसन खान कन्नौजी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नदवी, नासिरुद्दीन अल्बानी और इस्माइल दहलवी की तकलीद करते हैं। बकवास बंद कीजिए शम्सुज़्ज़मान साहब। जब मैंने एक बार कह दिया कि तकलीद हराम है, शिर्क है, बिदात है, तो फिर क्यों आप मुझे मुकल्लिद बनाने पर तुले हुए? सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, हमको किसी की तकलीद उकलीद नहीं करनी है। और फिर शम्सुज़्ज़मान साहब, जब कुरान हमारे पास है, बुखारी और मुस्लिम हम पढ़ ही लेते हैं, तो फिर हम किसी की तकलीद क्यों करें? अरे भाई, तकलीद वो करे जिसके पास दिमाग ना हो, जो बुखारी और मुस्लिम उठाना ना जानता हो। हम तो अल्लाह का शुक्र है सब पढ़ लेते हैं, सब समझ लेते हैं। शम्सुज़्ज़मान साहब, एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, हम सिर्फ कुरान और हदीस की मानते और सिर्फ कुरान और हदीस पर चलते हैं, समझ गए आप? अब आइंदा मुझे मुकल्लिद बनाने की कोशिश मत कीजिएगा जनाब। वाह शाहनवाज साहब वाह, आप तो दौरे हाजिर के बहुत बड़े मुफक्किर और इमाम मुहक्किक मालूम हो रहे हैं। अच्छा शाहनवाज साहब, ये बताइए कि तिर्मिजी की एक हदीस में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमाते तो अपना चेहरा, अपने हाथ और अपने पैर को एक बार धोते। तिर्मिजी की दूसरी हदीस में है कि दो बार धोते। तिर्मिजी की एक तीसरी हदीस में है कि तीन बार धोते। जनाब शाहनवाज साहब, आप वजू किस तरह करते हैं? जी शाहनवाज साहब, एक हदीस में है कि पानी को कोई चीज नापाक नहीं करती। एक दूसरी हदीस में है कि पानी जब दो मटके के बराबर हो जाए तो उसे कोई चीज नापाक नहीं करती। एक तीसरी हदीस में है कि पानी जब दो या तीन मटके के बराबर हो जाए तो उसे कोई चीज नापाक नहीं करती। एक चौथी हदीस में है कि पानी जब 40 मटके के बराबर हो जाए तो उसे कोई चीज नापाक नहीं करती। जनाब शाहनवाज साहब, आप पानी को कब नापाक मानते हैं? जी जी शाहनवाज साहब, एक हदीस में है कि आग से पकी हुई चीज खाने के बाद वजू करो, और एक दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बकरी का गोश्त खाया और वजू नहीं फरमाया। जनाब शाहनवाज साहब, आप वजू किस तरह करते हैं? जी जी शम्सुज़्ज़मान साहब। शाहनवाज साहब, हजरते अली
हजरत अब्दुल्ला इबन उमर, हजरत अबू जुहैफा, हजरत वाइल बिन हुजर, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। जनाब शाहनवाज साहब, क्या आप इस हदीस पर अमल करते हैं? मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दीजिए जनाब शमसुज़्ज़मा साहब। शाहनवाज साहब, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत बरा बिन आसिब, हजरत वाहिल बिन हुजर, हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़ यदैन नहीं करते थे। जनाब शाहनवाज साहब, क्या आप इस हदीस पर चलते हैं? शमसुज़्ज़मा साहब, हम हर हदीस को नहीं मानते। अच्छा। हम सिर्फ बुखारी को मानते हैं, बुखारी को, समझे जनाब? अच्छा, तो अब आप बुखारी पर आ गए। अच्छा शाहनवाज साहब, ये बताइए कि बुखारी में हजरत सलमा बिन अकबा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है। शाहनवाज साहब, क्या आप बुखारी की हदीस पर चलते हैं? क्या कहा आपने? शाहनवाज साहब, बुखारी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के बाद से लेकर सूरज तुलू होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाते थे। शाहनवाज साहब, क्या आप इस हदीस पर चलते हैं? क्या? शाहनवाज साहब, बुखारी शरीफ ही में है कि अगर इमाम बीमारी की वजह से बैठकर नमाज पढ़े तो मुक्तदी खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। शाहनवाज साहब, जवाब दीजिए, क्या आप इस हदीस पर चलते हैं? शमसुज़्ज़मा साहब, आप तो मुझसे ऐसा सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं कि लगता है कि दौरे हाजिर के सबसे बड़े इमाम मुज्तहिद और मुफ्ती मुहक्किक हम ही हैं। अरे भाई, हदीस का मामला है, इसे समझना कोई दाल भात है क्या? देखेंगे उलमा की किताबों का मुताला करेंगे कि हमारे इमाम इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यिम, काजी शौकानी, नासिरुद्दीन अल्बानी, सिद्दीक हसन खां भोपाली, शेख उसमैन ने और हमारे शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहिमहुल्लाह ने बुखारी की अहादीस के ताल्लुक से क्या फरमाया है? ये कोई जरूरी है कि हम बुखारी की हर हदीस पर अमल करें? वाह भाई वाह, अच्छा धोखा देते हैं आप लोगों को। कुछ देर तो पहले आप ही कह रहे थे हम लोग किसी की तकलीफ नहीं करते, ये इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यिम कहां से आ गए जनाब? मैंने कब ये कहा कि हम किसी की तकलीफ नहीं करते? तकलीफ हम भी करते हैं भाई, मगर आप लोगों की तरह तकलीफ शख्सी नहीं करते। शाहनवाज साहब, ये तकलीफ शख्सी क्या होती है भाई? तकलीफ शख्सी यही कि अबू हनीफा को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अबू इदरीस शाफई के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। क्या दुनिया में यही चार आलिम गुजरे हैं? क्या इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यिम और काजी शौकानी आलिम नहीं थे? तमीज से बात कीजिए शाहनवाज साहब, अइम्मे दीन का नाम अदब से लीजिए। आप बार बार अबू हनीफा और शाफई कहे जा रहे हैं। अरे वो इमाम अबू हनीफा जिनके बारे में इमाम शाफई ने जो कहा हो, मन नवाद अल फिका फहुआ आयालू अला अबी हनीफा, जो भी इल्मे फिका हासिल करना चाहे वो इमाम अबू हनीफा का शागिर्द बने। जिनको इमाम बुखारी के दादा उस्ताद मक्की बिन इब्राहिम ने आलम अहले अर्द रूहे जमीन का सबसे बड़ा आलिम कहा हो, जिनको सुफियान सौरी ने अफकहो अहले अर्द रूहे जमीन का सबसे बड़ा फकीह कहा हो, जिनको खतीब बगदादी ने, इमाम ज़हबी ने, इब्न अज़ीर जज़री ने, आपके सिद्दीक हसन खां भोपाली ने और नासिरुद्दीन अल्बानी ने इमाम आजम कहा हो, आप उन्हें सिर्फ अबू हनीफा, अबू हनीफा कह रहे हैं? ठीक है जनाब, हम तकलीद करते हैं मगर तकलीद शख्सी नहीं करते, क्योंकि तकलीद शख्सी बिदात है और हर बिदात हराम है, लिहाजा